कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा नेक्स्ट है आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग। हाँ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा सेल परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा इसमें देखिए नोट नंबर 2 में, यहाँ तो वो डिस्पोजल की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। अब हमने डिस्पोजल तो उसमें बता दिया, 8 लाख कॉस्ट है, बुक वैल्यू 350,000 है, 5 लाख में हमने एसेट सोल्ड कर दिया। तब हमें सिर्फ एडिशन फाइन करना होगा, तो अब यहाँ पहले लिख लेते हैं जरा, पेमेंट टू एक्वायर नॉन करेंट एसेट, और इसके लिए हम बनाएंगे आप नॉन करेंट एसेट का टी अकाउंट बनेगा। तो देखिए नॉन करेंट एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है, यहाँ पर 8,000 ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस आ गया 8,000। क्लोजिंग बैलेंस है 11,000, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। इसके बाद डिस्पोजल, अब नोट नंबर 1, इसमें कह रहे कि एसेट हमने डिस्पोज किया है जिसकी कॉस्ट है 8 लाख, तो 800 से ये डिस्पोजल, अब ये एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट। अच्छा और इसमें क्या आता है, रिवैल्यूएशन आ जाता है, ये कॉस्ट दी भी है नोट 1 में, तो कॉस्ट से क्रेडिट कर देंगे 800। जब 500 तो कैश प्रोसीड है ना, वो जब एसेट बाय करते हैं तो डेबिट किससे करते हैं, कॉस्ट से, तो क्रेडिट कॉस्ट से ही होगा ना। जिस टाइम डेबिट हमने परचेज के टाइम पर डेबिट किया होगा 800 से, तो डिस्पोजल के टाइम पे क्रेडिट करेंगे 800 से। अच्छा और क्या था इसमें रिवैल्यूएशन, तो इसमें रिवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं ना, रिवैल्यूएशन नोट 2 देखें, द रिवैल्यूएशन सरप्लस अराइज फ्रॉम द रिवैल्यूएशन ऑफ सम लैंड दैट वाज नॉट बीइंग डेप्रिशिएटेड। अब इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें, इसके लिए आप यहाँ पर इक्विटी पर आए, देखिए इक्विटी में लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस 1,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 500, इट मीन 500 का इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। तब यहाँ पे हम एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500 से, तो रिवैल्यूएशन का ओपनिंग बैलेंस था 1,000, क्लोजिंग बैलेंस 500, तो इट मीन्स हमने एसेट्स को रिवैल्यू किया है 500 से, अपवर्ड रिवैल्यू, ये 500 से एसेट अकाउंट डेबिट हुआ। अब एसेट अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है। अब क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 11,800, 11,800 में से डेबिट साइड माइनस करेंगे 8,000 और 500, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी हमारे पास 3,300, और ये होगी हमारी पेमेंट या एक्विजिशन, ठीक है, एडिशन और एक्विजिशन। इट मीन्स हमने 3,300 के न्यू एसेट्स एक्वायर किए, तो ये यहाँ से लेस हो जाएंगे 3,300। अच्छा ये तो हमने एसेट एक्वायर किया, और इसमें क्या आएगा, जैसे फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, या ठीक है प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। अब नोट नंबर 1, यह एक एसेट हम डिस्पोज कर रहे हैं, तो कितने में सेल हुआ है, 5 लाख में सेल हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रोसीड फ्रॉम या रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट 500, ठीक है। दोनों का सम कर लेते हैं, ये आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अच्छा फाइनेंसिंग में आपका इक्विटी और नॉन करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो इक्विटी में देखें क्या दिया हुआ आपको। अच्छा इक्विटीज में सबसे पहले है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स कैप, ओपनिंग बैलेंस 1,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 1,000, कोई चेंज नहीं आ रहा है। अच्छा देखिए शेयर कैपिटल का ओपनिंग है 1,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,000, नो चेंज। अच्छा रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये फाइनेंसिंग में नहीं आएगा। रिटेन अर्निंग्स 2,200 ओपनिंग बैलेंस,
क्लोजिंग बैलेंस 3100, ये भी फाइनेंसिंग में नहीं आता है, रिटेन अर्निंग भी नहीं आएगा। अच्छा तो अब इक्विटी से तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। नॉन करेंट लाइबिलिटीज पे आते हैं। हाँ, इसमें 10% लोन नोट है, ओपनिंग बैलेंस 2000, क्लोजिंग बैलेंस 3000, तो 1000 का इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, अच्छा 1000 का इंक्रीज है। अच्छा नीचे नोट दिया हुआ, इससे रिलेटेड क्या लिखा है कि द एडिशनल लोन नोट्स वर इश्यूड ऑन जनवरी 1, 2004, इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन 30 जून एंड दिसंबर 31, 2004। अच्छा जी, बता रहे कि आपने एडिशनल लोन कब लिया, 1 जनवरी को। ठीक है, उससे खैर यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोन जब भी लें। ठीक है, तो इनफ्लो कितना हुआ, 1000 का। तो फिलहाल वो जो नोट दिया है इससे रिलेटेड, उसका फिलहाल कोई यूज यहाँ पे नहीं है। उसकी कैलकुलेशन हो सकती है इंटरेस्ट, वो जो नोट फोर्थ में यहाँ दिया, ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में यूज हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ उसने हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस भी दिए हुए थे 300। ठीक है, तो इस नोट फोर का फिलहाल कोई यूज नहीं होगा। अब लोन नोट का ओपनिंग बैलेंस है 2000, क्लोजिंग बैलेंस 3000, 1000 का इंक्रीज आ रहा है। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ लोन नोट्स, और इसके साथ ही ये हमारी, अच्छा इसके बाद क्या आएगा, डिविडेंड पेड। यहाँ पे डिविडेंड की इंफॉर्मेशन, ठीक है, नोट नंबर 5, डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 7,50,000। ये डिविडेंड पेड आ गया, माइनस हो जाएगा, और उसके बाद इसका सम कर लेते हैं, और ये आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा तीनों एक्टिविटीज का सम कर लेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2850, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -2800, और नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 250। तीनों का सम करें, यहाँ का नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 300 आता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे, तो बैलेंस शीट में आ जाए करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपको कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 100, कैश इन हैंड नहीं है इसमें ना, और कुछ नहीं है, सिर्फ कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड नहीं है। तो कैश एट बैंक का ओपनिंग 100 है, ये 100 यहाँ लिखेंगे, दोनों का सम करते हैं, और ये हो जाएगा 400 कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स एट एंड। यहाँ बैलेंस शीट में देखें कैश एट बैंक का क्लोजिंग कितना आ रहा है, 400, दोनों टैली हो गए, दैट मीन्स कैश फ्लो हमारा सही बन गया जी। ओपनिंग बैलेंस ऐड होता है तो क्लोजिंग के इक्वल आना चाहिए, तो कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस ऐड किया हमने, तो वो इक्वल हो गया क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये तो हमने तीनों एक्टिविटीज का सम किया ना, 2850 -2800 +250। जी।